नमस्ते फ्रेंड्स, ओरल सबम्यूकस फाइबोसिस या OSMF जिसे हम कहते हैं, ये वेल नोन प्री कैंसरस कंडीशन है। कुछ जो बीमारियां मुंह में होती हैं उनको हमने ब्रॉड वे में कैटेगराइज किया है, मतलब ब्रॉड वे में डिवाइड किया है। एक हो गया प्री कैंसरस कंडीशन और एक हो गया प्री कैंसरस लीजन। आज जो हम बात कर रहे हैं वो OSMF है जो प्री कैंसरस कंडीशन में आता है, जिसका मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स की जो कैंसर में बदलाव का अनुपात है 7 से 20% लोगों में हो सकता है। मतलब अगर हम 100 लोगों के OSMF वाले देख रहे हैं तो 7 से 20 लोगों को कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई हैं। अब इतने लंबे समय से OSMF पे स्टडी हो रही है, इतना सब हो रहा है, पर कोई भी एक बेस्ट ट्रीटमेंट को एक डॉक्टर नहीं कह सकता कि ये बेस्ट ट्रीटमेंट कर लीजिए और OSMF ठीक हो जाएगा। जितना भी हम दवाइयां ले लें, हर इंडिविजुअल का डिफरेंस हो जाता है और उसका आउटकम भी कई बार डिफरेंस में आता है। अब OSMF होता कई किन लोगों को है, इसकी उम्र का जो रेंज है वो 11 साल से 60 साल के बीच में किसी को भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज हम स्पेसिफिकली बात करने आए हैं टमाटर या टोमेटो के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम रोज जानते हैं, हम खाते भी हैं, हमारे सब्जी में भी यूज होता है, तो ऐसी क्या चीज है टोमेटो में या टमाटर में जो हमको OSMF जैसी बीमारी जो आगे जाके कैंसर में भी बदलाव आ सकता है उससे बचाव भी कर सकती है और उसके बहुत सारे सिम्टम्स को कम भी कर सकती है। ये एक चमत्कारी फ्रूट है जो OSMF में यूज करने पे बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा दे सकता है, और अगर रेगुलर यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाते हैं कि हाँ, ये इफेक्ट हमको इम्प्रूव वाइज कर रहा है, जो बैड इफेक्ट ऑलरेडी OSMF की वजह से हमारे मुंह में दिख रहे हैं और हम महसूस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इस सुपर फूड के बारे में, जो OSMF के लिए हमको लड़ने के लिए बहुत पावरफुल एक वेपन मिल सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि इसको कैसे यूज करना है, कैसे आप अपने OSMF को ठीक कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, या कैंसर के बदलाव को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, और रेगुलर यूज से कितने इसके सारे बेनिफिट हो सकते हैं। सो अंत तक वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। OSMF ज्यादातर मेल्स में पाया जाता है, फीमेल्स में तो होता है, अगर 1 से 2% फीमेल्स में हुआ है तो 1 से 4% केसेस में मेल्स में हो सकता है। इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो है अरिका नट, मतलब सुपारी या सुपारी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, या पान होता है, बीटल नट जिसे हम कहते हैं, पान में कत्था होता है, चूना होता है, वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, या सिर्फ आप प्लेन सुपारी भी खा रहे हैं, जैसे मीठी सुपारी हो गई, कई तरह की सुपारी जो आती है आज मार्केट में अवेलेबल है, वो खाने के वजह से भी ये OSMF होने के चांसेस का रिस्क आपके केसेस में बढ़ जाता है। और आज आप पॉपुलेशन में देखेंगे तो डेली अगर आप देखें या ईयर वाइज हम देखें हमारे इंडिया में या हिंदुस्तान में, तो OSMF के केसेस बहुत स्पीड पकड़ लिया है, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी अट्रैक्टिव चीजें अवेलेबल हैं जो यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं, और हमारे सेलिब्रिटीज भी हमको एक तरह से भुलावे में डाल रहे हैं कि ये खाने से पता नहीं क्या हमारे बॉडी में चेंजेस आएंगे या सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। आप एक बात समझ लीजिए फ्रेंड्स कि कभी भी कोई ऐसी चीज खाने से आदमी सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता है, ऑन द कॉन्ट्री आपकी लाइफ को बहुत लंबे समय तक डैमेज होता है और एक क्वालिटी लाइफ बिगड़ जाती है पूरी तरीके से। उसके साथ आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि पूरी फैमिली आपसे जुड़ी होती है, आपके बीमार रहने से, आपके साथ वाले जो भी होंगे उनको बीमार रहने से तकलीफ पूरी फैमिली को होती है। अब बीमारी काम कैसे करती है, बीटल क्विट जिसे कहते हैं हम, जो आमतौर पर हम हिंदी में पान के रूप में जानते हैं, और दूसरा है बीटल नट, मतलब सुपारी के रूप में जानते हैं। इसमें एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम एरिकोलिन कहते हैं। ये एक ऐसा डैमेजिंग केमिकल है जो हमारे सब म्यूकोजा, मतलब मुंह के अंदर की जो चमड़ी है उसके अंदर एक लेयर होती है जिसको सब म्यूकोजा कहते हैं, उसमें फाइब्रोब्लास्ट डिसफंक्शन करता है। फाइब्रोब्लास्ट एक तरह का हमारे बॉडी में बनता है और एक लेवल तक बनता है प्रॉपर, जो मेंटेन करके बॉडी को ऐसा फंक्शन बनाया गया कि कोई भी चीज बॉडी ओवर प्रोड्यूस नहीं करती। अब वो ओवर प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है, पर ये केमिकल अटैच या अटैक करने की वजह से उसमें वो कंट्रोल रह नहीं जाता, जिस वजह से हमारे मुंह में फाइब्रोटिक बैंड्स फील होते हैं। नॉर्मली कई लोगों को इनिशियल में बर्निंग, मुंह में जलन फील होना, मुंह खुलना धीरे धीरे बंद हो जाना जिसको हम ट्रिसमस कहते हैं, और कई बार तो मुंह खुलना पूरा ही बंद हो जाता है, धीरे धीरे वो साइज रिड्यूस होता जाता है। सबसे आप पहले समझिए, ये एक दिन में बीमारी प्रोग्रेस नहीं करती है, ग्रेजुअली जितने लंबे समय तक आप उस हैबिट से जुड़े रहेंगे तो ग्रेजुअली ये बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप उंगली डाल के फील करेंगे गालों की तरफ, होठों की तरफ, तो आपको एक बैंड जैसे फील
फील होंगे, जैसे कोई बैंड आप फील कर रहे हैं। सॉफ्ट जो हमारे मुंह की जो अंदर की त्वचा होती है, चमड़ी होती है, वो बिल्कुल हार्ड या बैंड जैसी बन जाती है, तो फाइब्रोब्लास्ट का डिसफंक्शन हो जाता है। दूसरा एक चीज प्रोड्यूस करती है ये जो बीटल क्विड है, सुपारी हो गया या पान हो गया, ये कॉपर प्रोड्यूस करती है। तो ये दोनों मिलकर डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से मुंह में बर्निंग फील होना, बार बार मुंह में छाले होना और बहुत लंबे समय तक छाले रहना, मुंह खुलने में दिक्कत होना, कई लोगों को बोलने में भी दिक्कत हो जाती है और कई लोगों को तो जबान हिलाने में, क्योंकि जबान पे भी ये फाइब्रोटिक बैंड बनने लग जाते हैं, तो जबान भी उनकी ज्यादा तालू तक टच नहीं करती। नॉर्मली अगर आप देखें तो आपके तालू तक ये टच हमारी जबान करती है हम जब मुंह खोलते हैं, पर ऐसे लोगों में वो जबान उतनी उठ ही नहीं पाती क्योंकि वो ऑलरेडी फाइब्रोसिस या स्टिफ बन गई है, एक तरह से कड़क हो जाती है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो लोग हाथ की कसरत बहुत करते हैं, अगर आप उनको हथेलियों पे देखें तो उनकी सॉफ्टनेस खत्म होकर वो हार्ड और हाथ रफ बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे मुंह की त्वचा बिल्कुल रफ और हार्ड बन जाती है, जो हमारे लिए नॉर्मल नहीं, किसी भी इंसान के लिए नॉर्मल नहीं, चाहे वो कहीं भी रहता हो, किसी भी जेंडर का हो, मतलब मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो या कोई भी देश से बिलोंग करता हो। ये जो सॉफ्ट त्वचा अंदर मुंह में दी है वो ताकि हमारे मुंह में लार तरीके से बनती रहे, और एक इसमें हो जाता है बर्निंग इसलिए बढ़ती है क्योंकि लार का बनना बिल्कुल कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है, तो नॉर्मली उनको मुंह सूखा सूखा लगता है, निगलने में दिक्कत रहती है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स आपको दिखने लग जाते हैं, धीरे धीरे ये बढ़ते चले जाते हैं और बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बढ़ जाते हैं। कई लोगों का ये उनके दिमाग में प्रश्न होता है कि हमने तो 4 साल पहले तंबाकू खाना बंद कर दिया, सुपारी खाना बंद कर दिया, पान खाना बंद कर दिया, पर फिर भी हमारा मुंह खुलना बढ़ नहीं रहा है, वो वहीं रुक गया है या वो और कम होता जा रहा है। ये बीमारी परमानेंट बन जाती है जब भी एक बार डैमेज हो। आपको मैं बता दूं, बंद करने से सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि वो बीमारी कैंसर में शायद परिवर्तित ना हो, शायद इसलिए क्योंकि वो डैमेज किस लेवल पे हुआ है वो बताना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये परमानेंट होने की वजह से इसका स्टिफनेस कभी भी अपने आप बिल्कुल ठीक नहीं होता है, चाहे आप बंद कर चुके हो हैबिट या नहीं बंद कर चुके हो। नहीं करने में तो डैमेज बढ़ता ही जा रहा है, पर बंद करने के बाद भी वो जो हमारे मुंह की बर्निंग है, अल्सर है, वो कई बार बिल्कुल कम नहीं होते और वैसे ही बने रहते हैं और वैसे ही तकलीफ दे रहे होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हॉलमार्क मानते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट साइन है कि कोलेजन जो हमारे मुंह में जमा होता है वो एबनॉर्मल जमा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, फाइब्रोब्लास्ट जो है एक तरह का हमारे को नेचर ने दिया है ताकि वो हमारे मुंह की मांसपेशियों को मेंटेन कर सके, उसने अपना फंक्शन एबनॉर्मल कर दिया, मतलब जो नॉर्मल नहीं है, जिस वजह से वो ज्यादा बनने लग गया। मन में एक प्रश्न हो रहा होगा कि मैं डॉक्टर हूं और मैं बात टमाटर की क्यों कर रहा हूं, ये तो हमको पता ही है, हम तो सब्जी में भी खाते हैं और सब्जी में भी होता है टमाटर, तो हमको ऐसा होता है कि हम यूज करते ही करते हैं, तो ऐसी क्या चीज है, यूज करने के बाद भी हमको कौन सा ऐसा फर्क पड़ा है या फर्क पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि टमाटर में एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं लाइकोपीन। ये ऐसा केमिकल है जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अंदर क्या हो रहा है कि जो भी फाइब्रोब्लास्ट बन रहा है, जो एबनॉर्मल बन रहा है, उससे वो लड़ता है ताकि उसको वो घोल सके और उसको रोक सके ताकि वो आगे प्रोग्रेस ना हो। इसकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि आपकी हैबिट हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। अगर आप हैबिट कंटिन्यू कर रहे हैं, ओकेजनली भी ले रहे हैं, ओकेजनली का मतलब यह है कि हम तो पहले रोज लेते थे, आज हम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार लेते, तो क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो मीठी सुपारी खा रहे हैं, टेस्ट अच्छा लगता है और हम थूक देते हैं सुपारी को। आप चाहे मीठी सुपारी खाएं या किसी फॉर्म में भी कत्था, चूना या सुपारी या पान खाएं, उनका असर केमिकल आपके मसूड़ों पे होता है और ऑलरेडी जो डैमेज हुआ है उसको वो एक तरह से बहुत ज्यादा पावर देता है। अब ये जो लाइकोपीन एक्सट्रैक्ट है टोमेटो में, आप इसकी दवाइयां ले सकते हैं क्योंकि लाइकोपीन एक्सट्रैक्ट की दवाइयां मार्केट में मिलती है, पर मेरा ये मानना है कि अगर हमको नेचुरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो नेचर ने हमको आसानी से दिया है, जो हम यूज कर सकते हैं, तो क्यों हम दवाइयों की तरफ जाएं। दवाइयों की तरफ मैं जाने से मना नहीं कर रहा, कई केसेस में जरूरत पड़ती है और हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं और मैं भी प्रिस्क्राइब करता हूं, बट अगर नेचुरल हमको सपोर्ट मिल रहा है तो उसको सपोर्ट लेना चाहिए जो आपको आसानी से मिल सकता है। ये सबके अप्रोच में है, मतलब ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई कहे कि मैं टमाटर नहीं खा सकता हूं। टमाटर हर कोई खाता है, कम ज्यादा या नहीं खाते हैं, जो भी रीजन है, ये ऐसी कोई महंगी चीज नहीं है। पर दवाइयों में अपना पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि आप नेचुरल रेमेडीज पे हम आपको फोकस करें या उस पर ध्यान लगाएं ताकि हमको वो लंबे समय तक हेल्प कर सके। अब लाइकोपीन जो है, बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट है टोमेटो से ही मिलता है, उसको हमने कितना लेना चाहिए डेली बेसिस पे। एक स्टडी में ये हुआ है कि कम से कम 8 ग्राम रोज, 8 ग्राम रोज आपको लाइकोपीन लेना होगा
और 3 महीने तक लगातार अगर आप लेते हैं तो बर्निंग सेंसेशन जो मुंह में हो रहा है, मुंह में जलन या बर्निंग सेंसेशन जो हो रहा है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया है। और कई केसेस में ये भी देखा गया है कि बर्निंग बिल्कुल खत्म हो गई। दूसरा इसका फायदा ये है कि जब आप इतने अमाउंट में लाइकोपीन ले रहे हैं और रेगुलर ले रहे हैं, आप देखेंगे इंप्रूवमेंट कि आपका मुंह खुलना बढ़ गया है। फ्रेश जो टमाटर है 130 ग्राम अगर आप लेते हैं या कंज्यूम करते हैं या खाते हैं, वो 4 से 10 मिलीग्राम आपको लाइकोपीन दे रहा होता है उसमें। मतलब 130 ग्राम में अगर आपको लाइकोपीन देखना है तो वो करीबन 4 से 10 मिलीग्राम लाइकोपीन मिल रहा है हमको कंज्यूम करना है। अगर हम OSMF की बात कर रहे हैं या कैंसर प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, OSMF के इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो 8 ग्राम लेना है। यहाँ पे 4 से 10 मिलीग्राम लाइकोपीन का कंटेंट वेरी करता है। वेरी मतलब ऊपर नीचे कैसे होता रहता है, कि कितना पका है टमाटर, कितना लाल है, और सीजन वाइज भी वेरी करता है। मतलब हर सीजन में सेम टमाटर अलग क्वांटिटी में लाइकोपीन दे रहा होता है। डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं कि डेली 10 मिलीग्राम लाइकोपीन लेना चाहिए एज अ हेल्दी डाइट। मतलब अगर आपको ये बीमारी हो या नहीं हो, फिर भी एक हेल्दी डाइट करने के लिए 10 मिलीग्राम का लाइकोपीन आपके बॉडी में रोज जाना चाहिए। जब आपको बीमारी हो गई है, शुरुआत में है या प्रोग्रेस कर रही है या प्रोग्रेस हो चुकी है, तो आपके लिए 8 ग्राम लाइकोपीन जरूरी है डेली, और वो भी लगातार या रोज लेने के लिए। अब आप सोचेंगे 130 मिलीग्राम को आप कितने टमाटर लेने होंगे, तो अगर आप टमाटर जितने ले सकते हैं उतना अच्छा डेली, साथ में जरूरत पड़ने पे उसको कंपेंसेट करने के लिए जो डिफिशियंसी या जो रह गया है, मतलब 8 ग्राम को कंप्लीट करने के लिए आप टैबलेट का सपोर्ट ले सकते हैं। दूसरे तरीके से हम लाइकोपीन कैसे ले सकते हैं, टोमेटो प्रोडक्ट्स के रूप में, जैसे मार्केट में टोमेटो केचप मिल रहा है, टोमेटो जूस हो गया, टोमेटो सॉस हो गया, ये ऐसे जो हमारे को मिलते हैं, इसमें लाइकोपीन का कंटेंट नॉर्मल जो हम रॉ टमाटो जो पका हुआ टमाटर है उससे बहुत ज्यादा मिलता है। बट इसमें ये चीज है, अगर आपको ये खाना है आप ले सकते हैं रेगुलर, क्योंकि रेगुलर हम केचप नहीं खा सकते, रेगुलर हम टमाटो जूस पीना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि पर कंटेंट उसका ज्यादा है। तो इसमें एक और चीज ध्यान रखने की है, अगर आपको डायबिटीज है, इसमें जितने भी ये प्रोसेस फूड है इसमें शुगर का कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से जिनको डायबिटीज है उनकी डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप ये अगर कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आप अपना नेचुरल तरीके से इसको लाइकोपीन को कंटेंट को अपनी बॉडी में अच्छे से बढ़ा सकते हैं। लाइकोपीन जो है टमाटर में ऐसा है जो किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। ये इतना अच्छा केमिकल है या इतना अच्छा सोर्स है जो हमको बहुत कैरेटिनॉइड, सबसे ज्यादा कैरेटिनॉइड्स हमको इसमें मिलते हैं टमाटर में, जैसे फ्रूट में। इसमें एक और चीज ध्यान रखना है आपको, इसकी जो स्किन होती है, मतलब टमाटर की जो ऊपर की परत होती है, उसमें सबसे ज्यादा लाइकोपीन पाया जाता है, और जितना लाल होगा टमाटर उतना लाइकोपीन का कंटेंट उसमें ज्यादा होगा। तो सीजन में भी वेरी करता है, कितना पका है उससे वेरी करता है, जितना लाल होगा उतना लाइकोपीन का कंटेंट उसमें ज्यादा भरा होगा, प्रचुर मात्रा में होगा। अगर हम कंपेयर करें टोमेटो केचप और हमारे टमाटर से, जो रॉ टमाटर हमको पका हुआ रॉ मिल रहा है या मार्केट में जो मिलता है सीधे हम खा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 100 मिलीग्राम या 100 ग्राम का टमाटर है उसमें 1 से 10% तक, अप्रोक्सीमेटली 4 से 10% 10 मिलीग्राम तक आपको लाइकोपीन मिल जाता है। पर टोमेटो केचप में अगर 100 ग्राम आप टोमेटो केचप ले रहे हैं तो 10 से 14 मिलीग्राम आपको लाइकोपीन मिल सकता है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें शुगर का कंटेंट ज्यादा होता है, जो हमारे फ्रेश टमाटर में शुगर का कंटेंट नहीं होता है। तो एक तरह से वो ज्यादा सेफ है और ज्यादा नेचुरल है अगर हम टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस या टोमेटो जूस से कंपेयर करें। अभी बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप टमाटर खा रहे हैं कि ये एब्जॉर्प्शन इसका वेरी करता है। का मतलब मैं आपको समझाता हूं, जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। कई बार ये एब्जॉर्प्शन मतलब हमारी बॉडी में वो जाके अंदर सेटल होता है या अंदर एब्जॉर्ब होता है, मतलब वो रिश्ता है अंदर। अब कई तरह के ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको लेने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, मतलब वो हमको पचाने में पचता नहीं उतना और बॉडी उसको डिस्कार्ड या खराब समझ के निकाल देती है। तो आपको ये ध्यान रखिए कि हर जो खाना हम खा रहे हैं टमाटर को पचाने के लिए आसान नहीं है, या उसके साथ हम खाते हैं तो टमाटर को पचाने में हेल्प नहीं कर रहा है। अगर आपने टमाटर को पचाना है और फैट्स के साथ आप ले रहे हैं तो इसकी पचाने की ताकत जो है, टमाटर को पचाने की ताकत जो है, वो 4 गुना बढ़ जाती है। तो अगर आप फैट के साथ ले रहे हैं तो इसकी टमाटर की जो पचने की शक्ति हमारी बॉडी में वो बढ़ जाती है। तो इसका ध्यान रखिए ताकि आपको वो कंटेंट पूरी तरीके से जो लाइकोपीन का है बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके
और वो पच सके। प्रोसेस जो है टोमेटो केचप हो गया या प्यूरी हो गया या टोमेटो के सॉस हो गए या जैसे भी टोमेटो को, ये प्रोसेस फूड है। पर एडवाइस मैं आपको यही दूंगा कि फ्रेश टमाटर लीजिए, उसकी स्किन में होता है। इसका मतलब ये है कि बाकी टमाटर खराब है ये नहीं है। टमाटर पूरा कंज्यूम करिए ताकि आपको अच्छे अमाउंट में नेचुरल प्रोडक्ट मिले और जो प्रोसेस ना हो। प्रोसेस फूड में बहुत सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव और प्रिजर्वेटिव डाली जाती है जो हमारे फ्रेश टमाटर में नहीं होती, जिस वजह से हमारी बॉडी को अच्छे तरीके से पचाने में आसान होता है। और अगर आप इसको फैट्स के साथ लेते हैं तो ये पचाना और उसको एब्जॉर्ब करना बहुत आसान और बहुत इफिशियंट और बहुत अच्छा बन जाता है। अब मैं आपको यही बताऊंगा कि टमाटर कई लोगों को हो सकता है रॉ पसंद ना हो, तो आप उसको दवाई के तौर पे लीजिए, क्योंकि टैबलेट्स भी आप लाइकोपीन के लेंगे जो टोमेटो एक्सट्रैक्ट से ही बनते हैं, मतलब टमाटर से ही एक्सट्रैक्ट निकाल के ये लाइकोपीन कंपाउंड बनाया जाता है। ये ऐसा कंपाउंड है जो टोमेटो में ही या टमाटर में ही सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है और ये बहुत बेनिफिशियल है। एक तो आपको ये OSMF को इम्प्रूवमेंट दे रहा है, प्रिवेंट कर रहा है आगे बढ़ने से। दूसरा, ये ऐसे चीजों को प्रिवेंट कर रहा है जैसे कैंसर हो गया, मतलब जो हमारा OSMF आगे जाके कैंसर में परिवर्तित हो सकता है, तो उसको प्रिवेंशन में भी बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपको उतना अमाउंट में टमाटर आप लेना नहीं चाहते हैं, ले नहीं पा रहे हैं, तो टैबलेट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। पर मैं सिंसियर एडवाइस दूंगा कि टमाटर को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए जितना आप खाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर ईट करें, ग्रेजुअली आप टमाटर का कंटेंट अपनी जो हमारी डाइट में है या खाने में इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको टमाटर ठीक नहीं लग रहा है तो आप उसका जूस निकाल के पी सकते हैं, कि आप अपने घर पे अगर जूस निकाल रहे हैं तो उसमें कोई एडिटिव नहीं डाल रहे हैं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं, तो आपके लिए वो काम कर रहा है। वो पसंद ना आए तो आप टोमेटो केचप ले सकते हैं, पर वो प्रोसेस फूड होने की वजह से इतना एडवाइजेबल नहीं, जितना फ्रेश होएगा उतना अच्छा होएगा। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये हेल्प करे और आपकी बीमारी को रोकने में, आगे बढ़ने में भी रोके और आपके लाइफस्टाइल को बहुत इम्प्रूव करे, ताकि आप नियर नॉर्मली जिंदगी जी सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।